दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का। आज हम फुल डिटेल कंपेयर करेंगे। हालांकि दोनों चिपसेट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G से ऑब्वियसली आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 आपको बेटर मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G से कितना टाइम तक का आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G में मिलता है। और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है, ये आपको बहुत ही ज्यादा प्राइस वाले फोन में आता है। तो क्या आपको ज्यादा पे करके क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ जाना चाहिए थोड़ा सा या ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल कंपेयर करके बताऊंगा। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों फोन की ANM की टेक्नोलॉजी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G है, इसमें आपको 7 ANM की आपको टेक्नोलॉजी मिलता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, और आप सभी लोगों को पता है, मुझे यह पता है कि जितना कम आपको ANM की टेक्नोलॉजी होगा, उतना ज्यादा आपको पावर एफिशिएंसी, उतना ज्यादा बैटरी चलेगा और उसके साथ ही परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलेगा जितना कम आपको ANM की टेक्नोलॉजी होगा। लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में आपको 8 ANM की फिनफैट टेक्नोलॉजी मिलता है। तो अगर दोनों के साथ कंपेयर की जाए तो 20% तक का पावर एफिशिएंसी में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G आपको बेटर देखने को मिलता है। बात कर ले दोनों की, अगर CPUs के साथ कंपेयर किया जाए तो कौन सा आपको बेटर मिलता है। तो जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, दोनों चिपसेट आपको टोटल 8 कोर दिया गया है और दोनों में आपको डिवाइड किया गया है, और एक आपको पावर एफिशिएंसी के लिए, एक आपको परफॉर्मेंस के लिए, तो 2 और 6 कोर में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 में 2 कोर जो कि आपको परफॉर्मेंस के लिए है, इसमें आपको कॉर्टेक्स A77 में 2.4 GHz में आपको क्लॉक देखने को मिलता है, और आपको 6 कोर आपको कॉर्टेक्स A53 क्रायो 470 में आपको 2.0 GHz तक आपको क्लॉक देखने को मिलता है। बात कर ले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G की, इसमें भी आपको सेम डिवाइड किया गया 2 कोर और 6 कोर में पावर एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के लिए आपको 6 कोर दिया गया है जो कि 1.8 GHz में आपको क्लॉक मिलता है, और आपको 2 कोर कॉर्टेक्स A76 क्रायो 475 में आपको 2.2 GHz तक क्लॉक मिलता है। तो अगर दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको 0.2 GHz की आपको ज्यादा अच्छा आपको क्लॉक स्पीड मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G में। तो आप देख लेना, आप अगर ज्यादा गेमिंग करते हो तो जो 2 कोर आपको एक्टिवेट होता है, इसमें आपको ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G में। बात कर ले दोनों की, अगर GPU के साथ कंपेयर किया जाए तो कौन सा आपको बेटर मिलता है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 है, इसका लॉन्च ये कुछ टाइम बाद लॉन्च हुआ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 लॉन्च होने के बहुत ही दिन बाद ये लॉन्च हुआ है। तो लेटेस्ट टिप से आप कह सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G को, और इसमें आपको GPU मिलते हैं एड्रिनो की 619 की, और ये जो 619 है ये एड्रिनो 618 और एड्रिनो 620 का मिड का बोल सकते हो। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो 730 वाला जी चिपसेट है, उससे ये 10% तक GPU में बेटर मिलता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 जो चिप है, इसमें आपको एड्रिनो की 620 मिलता है, तो उससे ये 10% तक कम पावर एफिशिएंसी और आपको परफॉर्मेंस इस GPU में आपको देखने को मिलता है। तो अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 के साथ कंपेयर किया जाए तो 10% तक GPU में आपको कम पावरफुल देखने को मिलता है। बात कर ले दोनों की, अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, दोनों चिपसेट आपको 5G के साथ आता है, दोनों ट्रूली 5G के साथ आता है। जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G, दोनों चिपसेट के अगर हम डाउनलोड और अपलोड स्पीड के बारे में बात करूं, 5G में दोनों में आपको 3.7 GBPS तक का आपको डाउनलोड स्पीड मिलता है, और अपलोड स्पीड दोनों में 1.2 GBPS तक देखने को मिलता है। अगर हम 4G के बारे में बात करूं, दोनों में आपको 4G का जो कनेक्टिविटी है, ये भी आपको सेम मिलता है। दोनों में आपको कनेक्टिविटी में आपको अपलोड स्पीड आपको 320 MBPS मिलता है, और डाउनलोड स्पीड में आपको 1.2 GBPS तक 4G में दोनों चिपसेट में आपको देखने को मिलता है। बात कर ले दोनों की, अगर डिस्प्ले के साथ कंपेयर किया जाए
तो कौन सा डिस्प्ले आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है इसमें आपको फुल HD तक डिस्प्ले को ये सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, और इससे ये ज्यादा डिस्प्ले को ये सपोर्ट नहीं कर सकते है। लेकिन अगर हम बात करूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G की, ये क्वाड HD डिस्प्ले को भी सपोर्ट कर सकता है 60 FPS के अंदर, और इसका जो रिफ्रेश रेट है यानी कि फुल HD में ये भी 120 हर्ट्ज की देखने को मिलता है। तो एक एडवांटेज आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G में मिलता है, जो कि आपको QHD का आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम दोनों की कैमरा के साथ कंपेयर की जाए तो कौन सा कैमरा आपको बेटर मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का अप टू कैमरा सपोर्ट आपको 192MP का सिंगल कैमरा सपोर्ट है, डुअल कैमरा में आपको 16+16 की डुअल कैमरा की सपोर्ट मिलता है, और फ्रंट में 32MP का फ्रंट कैमरा को ये सपोर्ट कर सकता है, 4K तक ये वीडियो को शूट कर सकता है 30-60 FPS तक अप टू। और अगर हम बात करूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G की, इसमें आपको जो कैमरा मिलती है 22+22 का आपको डुअल कैमरा को सपोर्ट कर सकता है, सिंगल में 192MP, फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैमरा कनेक्टिविटी में आपको स्लाइडली बेटर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G। बात कर लें दोनों की AI के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा आपको बेटर मिलता है, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छा मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में, क्योंकि इसका आपको न्यू चिपसेट मिलता है, बहुत ही न्यू चिपसेट है, कुछ टाइम पहले इसका क्वालकॉम ने लॉन्च किया, अभी भी कौन सा भी फ़ोन के साथ ये लॉन्च नहीं हुआ है, और इसका जो AI है ये आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलता है, 20% तक बेटर मिलते हैं PBS जो AI की टास्क है, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 की AI से ये 20% तक बेटर मिलते हैं। और आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में जब आप गेम खेलोगे या ज़्यादा लोड दोगे तो एक आपको AI ऐसा आपको फीचर देता है जो कि आपको स्मार्ट असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देगा, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में आपको देखने को मिलता है। बात कर ले दोनों का अंतुतु स्कोर के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है इसका अंतुतु अभी तक निकल के नहीं आया है। उसके साथ ही अगर हम बात करूँ दोनों चिप्स में कौन सा आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक स्मार्टफोन में अगर 32,000 के अंदर एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G है और उस चिपसेट में आपको कोई ज्यादा आपको फीचर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक चिपसेट को लेके उस फोन को आप खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि उस फोन में आपको सिर्फ चिपसेट बहुत ही अच्छे मिलते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपको ये वैल्यू फॉर मनी फोन प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर अगर क्वाड HD का आपको डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है, उसके साथ ही उसका जो परफॉर्मेंस है ये ज्यादा अच्छा मिलता है, तो ज्यादा अच्छी तरीके से ये जो चिपसेट है ये काम कर सकता है। लेकिन आपको ये बताओ कि आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ अगर एक HD+ डिस्प्ले को अटैच कर दोगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट दे के आप करोगे क्या, क्योंकि उस चिपसेट को उतना परफॉर्मेंस के लिए उतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आपको ये चिपसेट लेके होगा भी क्या। लेकिन अगर हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 को छोड़ के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 के बारे में बात करूँ, इसका प्राइस अगर 20,000 के नीचे होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन प्रोवाइड करेगा, जैसा भी फ़ोन आपको प्रोवाइड करेगा फुल HD, उसके साथ ही बहुत ही अच्छा कैमरा की सेटअप, बैटरी आपको बहुत ही अच्छा होगा, और OS जो कि बहुत ही अच्छा अगर दिया जाए तो बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज के साथ ये आपको जो चिपसेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर दोनों के साथ कंपेयर किया जाए दोनों प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा एक फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और जाते जाते कमेंट करके बताना आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है और कौन सा आपको चिपसेट यूज कर रहे हो, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।